इस वीडियो क्लिप को देखिए और एरर नोट कीजिए। ये वैन पंक्चर हो चुकी है, इसका हमें महसूस हो गया है, और ये देखिए आप, इसमें ब्लड है वो भी आ गया है, किंतु इतनी अधिक सिरिंज अंदर घुसा दी गई है कि जो वैन थी हमने पंक्चर करने के बाद डबल पंक्चर होके सीधे पार कर गई है और मसल्स में चली गई है। तब आप वापस देखिए, ये सिरिंज पीछे की तरफ खींच रहे हैं, और जब निडल वैन में चली जाएगी वापस, तब इसमें ब्लड भी आ जाएगा सिरिंज में, तो अब भी नहीं आया है, इतनी डीप में घुसा दी गई थी। और अब देखिए ये वैन में आ गई है, तो जो ब्लड है सिरिंज में भी आ गया है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जब आपकी वैन पंक्चर हो जाए तब आप कलेक्ट कर लीजिएगा सैंपल, और जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं सैंपल, तो इसका जो सिरिंज निडल का न्यूक्लियर सिरा होता है वो सबसे नीचे रखना है, जो सरफेस होती है स्किन की वहाँ पर रखना है, और टेडी या फिर बिल्कुल उल्टी जो निडल होती है वो नहीं रखनी है। मान लीजिए ये एक वेन है जिसे आप पंक्चर कर रहे हैं, तो इसको आपको 30 से 40 डिग्री एंगल पे पंक्चर करना है, और पंक्चर करने के बाद जैसे इसमें रेडिश आपको दिखने लग जाएगा नीडल में, तब आप क्या करिएगा कि वो सैंपल कलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी अगर आप इसको आगे की तरफ घुसेंगे, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, तो उसमें क्या होगा कि जो वेन है वो पंक्चर हो जाएगी डबल, पहले पंक्चर हो गई और फिर इसको वैन को पार करके आगे मसल्स में चली जाएगी। जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी थी उसमें इस प्रकार की आपने घटना देखी थी कि जो निडल थी वो वैन को पार करके आगे चली गई थी, और उस समय जब हमने पिस्टन पीछे खींचा तब ब्लड नहीं आ रहा था, क्योंकि जो निडल थी वो वैन में नहीं थी। अब जब हमने पीछे खींचा और जब वैन में चली गई और जब हमने पीछे खींचा तब हमारा ब्लड आ गया था सीरीज में, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। एक आप तो राइट हैंड ही हम चूज़ करते हैं वेन पंक्चर के लिए, तो राइट हैंड में देख लीजिए काफ़ी मोटी वेन आती है ब्लड में, और सीधे हार्ट से जुड़ी रहती है, मतलब अरोटा से सीधे निकल के वही जो वेन में आती है। बाकी जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो काफ़ी घूम के आती है। और तो सबसे पहले आप मीडियल क्यूबिटिकल वेन में लीजिए, या फिर सिफेलिक या फिर बेसिलिक वेन में, तभी आप सैंपल लीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तब आपको ये जो मुट्ठी वाला वेन होती है तभी आपको चूज़ करनी है, बाकी ये जनरली यूज़ में नहीं लिया जाता है। अब आप देख लीजिए इसका जो तरीका क्या होता है सही सैंपल लेने का, तो सबसे पहले आप वेन चूज़ कर लीजिए और इसको स्प्रिट से अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, फिर 30 से 40 डिग्री एंगल में वेन पंक्चर करते ही आपको पता चल जाएगा कि वेन में चली गई है। उसके बाद आप आराम से पिस्टन को पीछे खींच के जितना आप ब्लड लेना चाहें ले सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता है। उसके बाद जो टर्नकेट है वो उसको हटा के फिर आपको जो निडल है वो उसको बाहर निकालनी है, और उसके बाद पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोली। तो ये एक सिंपल सा मेथड था ब्लड कलेक्शन का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब्स और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।